तस्वीरों में आप जिस दैत्य को देख रहे हैं वो साक्षात विध्वंस है। ये वो महाकाल है जो युद्ध में मौत की तबाही मचा सकता है। ये रूस की वो मिसाइल है जिससे रूस के दुश्मन थर्रा उठते हैं। ये वो खौफ है जिसके डर से अमेरिका और पश्चिम के देशों की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो रूस का आमरा सामना कर सके। ये है रूसी पराक्रम का प्रचंड अस्त्र जिसका नाम है सरमैट मिसाइल। ये वो मिसाइल है जिसका परीक्षण रूस ने अभी हाल ही में यूक्रेन से छिड़े युद्ध के बीच किया है। इसके बारे में और इसकी विनाशक क्षमता के बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है बल्कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी ये धरती के एक महाद्वीप से अगर दागी जाए तो ये धरती के दूसरे महाद्वीप पर अपने लक्ष्य को नेस्ते नाबूद कर सकती है। इसकी क्षमता ऐसी है कि कहीं भी विनाश लीला दिखा सकती है। इस मिसाइल पर एक दो या दो चार नहीं बल्कि एक साथ 15 वॉरहेड ले जा सकती है। सरल भाषा में समझें तो वॉरहेड का मतलब वो विस्फोटक होता है जो मिसाइल से अटैच्ड होता है। सरमैट मिसाइल हथियारों की दुनिया का वो साक्षात यमराज है जो एक साथ 15 परमाणु बमों को दाग सकता है। यानी अगर ये अपनी वाली पर आ जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को ये यूं ही दुनिया के नक्शे से क्लीन कर सकता है। अब आपको इस बात का अंदाजा लग रहा होगा कि जो अमेरिका बात बात पर कभी वियतनाम, कभी जापान, कभी इराक, कभी लीबिया, तो कभी अफगानिस्तान, तो कभी नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाता रहा है, वो आखिर रूस पर त्योरियां चढ़ाकर क्यों रह जाता है? जाहिर है उसे मालूम है कि रूस की सरमैट मिसाइल पलक झपकते ही कैसे अमेरिका के किसी भी प्रांत को बर्बाद कर सकती है। ऐसे में रूस जैसी महाशक्ति का सामना करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। राष्ट्रपति पुतिन खुद सरमैट मिसाइल को अपराजेय बता चुके हैं। जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया रूस को देखती रह गई। रूस की सरमैट मिसाइल ने सिर्फ 15 मिनट के भीतर पूरे रूस को पार करते हुए दुनिया के दूसरे छोर पर करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर जापान के कामचटका सब कॉन्टिनेंट के पास अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। अगर सरमैट मिसाइल अपनी पूरी क्षमता से दागी जाए तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। यानी ये किसी पूरे देश को एक साथ काल के गाल में निगलवा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।